हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहां पर काफी एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूं कि कैसे आप इस जैम एग्जामिनेशंस के अंदर 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा जनरल का कट ऑफ है वो ऑन एवरेज 25 से 26 मार्क्स तक रहता है। तो अगर हम यहाँ पर 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो हम सिक्योर भी हो जाएंगे, क्वालिफाई भी हो जाएंगे और हमारा एक ठीक ठाक सा रैंक भी आ सकता है। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि इससे ज्यादा नंबर आप लोगों को लेके आने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब 30 प्लस मार्क्स हम कैसे यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर सिक्योर स्कोर 30 प्लस, तो सबसे पहले क्या है कि आपको सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। तो जो हमारा एग्जाम्स का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले तो आपको उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है ना। तो अंडरस्टैंड द एग्जाम्स फॉर्मेट, उसके बाद है रिव्यू बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आपको यहाँ पर जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। कि मतलब जैसे 9th 10th की आपको फिजिक्स पढ़नी है, 11th 12th की आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम करना है ना। एकदम से आप IIT जैम के क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना। मैं देखता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो एडवांस लेवल पर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेसिक्स पे अपनी कमांड बनानी है, ठीक है, ये बात हो गई है। उसके बाद है PYQs प्रैक्टिस रेगुलरली। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है वो आपको ये करना है कि आपको जो IIT जैम के जो PYQs होते हैं वो आपको रेगुलरली क्या करने हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि PYQs करने से हमको एक रफली आइडिया ये मिल जाता है कि कैसे हम इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। हमको एक गाइडेंस वहां से मिल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप लोग कोई कोचिंग में जा रहे हो या आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको उसके बीच में टाइम मैनेजमेंट करना है, चाहे घर के काम हो या कॉलेज के काम हो या बाहर के काम हो, तो उन सब के साथ आपको अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उसके बाद है स्टे अपडेट, है ना। हमेशा अपडेट रहिए, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो IIT जैम से जुड़ी कोई न्यूज हो, तो हमेशा कोशिश कीजिए अपडेट रहने की। उसके बाद है आपका कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपकी जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम तो करना ही है। उसके अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि आप, पहली बात तो आप सबको यहाँ पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर IFS भी आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका लेके आया है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IFS भी आपको जो एग्जाम्स का फियर है, जो ये एग्जाम का डर है, इससे आपको निजात दिलाने आया है। वो कैसे, तो आप हमारा लाइव कोर्स ले सकते हो। इस लाइव कोर्स पे आपको टॉप फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने वाली है। तो ये जो हमारा लाइव कोर्स है ये आपको पहले कितने का था, 13,000 रुपये का, अब हमने इसके प्राइस को ड्रॉप करके 4,000 रुपये का कर दिया है। तो आप हमसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद है आपका रिकॉर्डेड कोर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है जिसकी पहले जो कॉस्ट थी वो 10,000 रुपीज थी, अब ये इस 10,000 से घटकर कितना हो गया है, मात्र 3,000 रुपये का ये आपका हो चुका है। फिर है यूज कूपन कोड, अब हम यहाँ पे अपना जो कूपन कोड है वो इंडिया का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारा बैच है ये आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक बात थी कि आपको इसके ऊपर देखना चाहिए। और ये आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, तो जल्दी से जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ से निकल जाए, ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम वापस आते हैं अपने 7th पॉइंट पे। तो ये जो हमारा 7th पॉइंट है ये क्या है, यूज
रिलायबल स्टडी मटेरियल। तो आपको जो मटेरियल है, जो जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, वो जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए, जिसके आप पर आँख बंद करके। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास 10 बुक हैं। एक बुक रखिए रेफरेंस के लिए, प्रॉपर उसको फॉलो कीजिए, उसके PYQs करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए और आगे बढ़िए। उसके बाद है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जितना आप दे सकते हैं उतना आप दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमको हमारी मिस्टेक्स, हमको हमारी स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट से ही पता लगती हैं कि हम कितने लेवल में हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिवाइज रेगुलरली। सबसे लास्ट में अगर आपने सारा का सारा कंटेंट पढ़ लिया है तो लास्ट में आपको उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अक्सर मानता हूँ जैसे कल कभी नहीं आता उसी तरीके से रिवीजन का डे भी कभी नहीं आता। तो जिस दिन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको उसी दिन पे रिवाइज कर डालिए। अगर सुबह पढ़ा है तो शाम को रिवाइज कर लीजिए और रिवीजन को अपनी आदत बनाइए, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया और आप काम नहीं हो, आप शांत नहीं हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो कोशिश कीजिए हमेशा अपने मन को शांत रखने की, अपने मन को हमेशा धैर्य रखने की। तो ये सब चीज़ें, तो स्टे काम, हमेशा स्टे काम दीजिए, हमेशा आप बिल्कुल शांत रहिए। जिसका दिमाग स्थिर नहीं है वो कभी स्थिर नहीं है। तो दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए, बुद्धि को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आप इस एग्जाम्स को फोड़ लोगे और ऐसा करने से आप यहाँ पे 30+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अब मैं आपको जाते जाते एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप हमारी ऐप को अगर डाउनलोड करते हो या हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको फ्री में ये सब चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको एग्जाम सिलेबस हो गया, एग्जाम्स पैटर्न हो गया, एग्जाम्स का कट ऑफ हो गया और मैनी मोर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्रीली मिल जाएंगी। इसी तरीके से हमारा PYQs है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है और पेपर एनालिसिस है। तो ये सब कुछ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे IFS आपके लिए यहाँ पर बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ कोर्सेस लेके आया है। लाइव कोर्स हमारा है यहाँ पे 4,000 रुपये का, रिकॉर्डेड कोर्स हमारा है यहाँ पर आपका 3,000 रुपये का। और ये हमारा कूपन कोड है, इस कूपन कोड इंडिया का यूज़ कीजिए और इस पे डिस्काउंट पाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।